आज सोनिया गांधी से ईडी के अफसर दूसरे राउंड की करेंगे पूछताछ। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में होंगे सवाल जवाब। इस मामले में पहले दिन दो घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी। सोनिया गांधी ने एजेंसी के 28 सवालों का जवाब दिया। कांग्रेस ने अपनी लड़ाई को संसद से सड़क तक लड़ने का फैसला किया। शांति और सत्याग्रह के साथ करेंगे आज प्रदर्शन। कांग्रेस मुख्यालय में बड़े नेताओं की बैठक हुई। सोनिया गांधी के ईडी दफ्तर जाने को लेकर आज मौन सत्याग्रह का फैसला हुआ। कांग्रेस के सांसद संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। संसद के बाहर गांधी की मूर्ति के पास करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर भी जताया जाएगा विरोध। पार्टी के दिग्गज नेता धरना देंगे। पार्थ चटर्जी की मुश्किलें और बढ़ी। कोर्ट से 10 दिन की कस्टडी मिलने के बाद पार्थ और अर्पिता मुखर्जी से ईडी आज से करेगी अगले राउंड की पूछताछ। विशेष अदालत ने दोनों को 3 अगस्त तक ईडी हिरासत में भेजा। ईडी ने 14 दिनों की मांगी थी रिमांड। ईडी ने कोर्ट में पेश की पार्थ चटर्जी की मेडिकल रिपोर्ट। कहा वो पूरी तरह से फिट है। शिक्षक भर्ती घोटाले से अब मंत्री पार्थ चटर्जी के बॉडीगार्ड का भी नाम जुड़ा। 10 रिश्तेदारों को दी गई नौकरी। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा। हवाला के जरिए रुपयों को विदेश भेजने वाली थी अर्पिता मुखर्जी। विदेशी कारोबारियों के संपर्क में भी थी। 12 फर्जी कंपनियों चला रही थी अर्पिता। ओडिशा और तमिलनाडु में भी कंपनियां होने की खबर है। अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 डायरी और फोल्डर बरामद। 76,97,000 के गहने भी मिले। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर सीएम ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी। कहा मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती। ममता बनर्जी ने कहा अगर कोई दोषी पाया जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे उम्र कैद की सजा दी जाए। संसद के मानसून सत्र के दौरान हंगामे पर एक्शन। लोकसभा से कांग्रेस के 4 सदस्य निलंबित हुए। कार्रवाई पर भड़की कांग्रेस। कहा सांसदों को सस्पेंड कर सरकार हमें डराना चाहती है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले विपक्ष की आवाज दबाई जा रही। सांसदों को निलंबित करने का फैसला गलत है। लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा। विपक्ष ने पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह पर विपक्ष ने उठाया सवाल। कहा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके पद के मुताबिक सीट नहीं दी गई। पीयूष गोयल ने कहा सीक्वेंस देखते हैं तो तीसरी लाइन में उनकी सीट होती है लेकिन उन्हें पहली लाइन में बिठा दिया जाता है। प्रहलाद जोशी ने कहा खड़गे की शिकायत पर अधिकारियों ने उन्हें बीच की सीट पर बैठने की पेशकश की लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में जुटे जगदीप धनखड़। दिल्ली में खाप पंचायत के नेताओं से मुलाकात की। शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना में भी फूट। कई पदाधिकारी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े। मराठावाड़ा में शिवसेना को एक और झटका। एकनाथ शिंदे गुट में अर्जुन खेताकर शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग 1 अगस्त से पूरे महाराष्ट्र में मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का अभियान शुरू करेगा। ओपी राजभर के अखिलेश पर चुटकी। कहा माना मैं गलत हूं लेकिन चाचा शिवपाल और भाभी के बारे में क्या कहेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान नेताओं को मुफ्त बिजली मिलती है तो जनता को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। मनीष सिसोदिया के समर्थन में उतरे संजय सिंह। कहा फर्जी मुकदमे कर राज्य के कामों में रुकावट डालने की कोशिश है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ सकती है मुश्किलें। मंत्री रहते हुए सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। यूपीएसटीएफ ने पूछताछ की। पूर्व निजी सचिव के पास से मिले हैं कई फर्जी दस्तावेज। मुलायम सिंह यादव के करीबी एसपी नेता हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शरीक हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कभी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देश से ऊपर न जाने दें। 28 और 29 जुलाई को गुजरात और तमिलनाडु जाएंगे पीएम मोदी। 28 जुलाई को गुजरात के हिम्मतनगर में कई योजनाओं करेंगे शिलान्यास। ढाका में तीसरी भारत बांग्लादेश काउंसिलर वार्ता आयोजित हुई। वीजा और कानूनी सहयोग पर चर्चा हुई। पीएम किसान योजना को राहुल गांधी ने किसान उत्पीड़न योजना बताया। कहा किसानों की आय नहीं बढ़ी बल्कि परेशानियां बढ़ी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था को लेकर झारखंड सरकार को घेरा। दरोगा संध्या टोप ने हत्याकांड की सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग की। और देव विधायक अमीनुल इस्लाम का बयान। कहा हर घर तिरंगा अभियान बीजेपी का पाखंड। देशभक्ति हमारे दिल में। बेंगलुरु में अख्तर हुसैन नाम का एक कट्टरपंथी पकड़ा गया। इस्लामिक चरमपंथी संगठनों के संपर्क में था। पटना पुलिस ने फुलवारी पीएफआई के एनआईए को हैंडओवर किया। पटना एसएसपी ने जानकारी दी। बिहार पुलिस ने पीएफआई टेरर मॉड्यूल के मामले में क्रिप्टो फंडिंग एंगल से इनकार किया। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई अगली सुनवाई। 2 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को धमकी देने वाला शख्स पर कसा शिकंजा। मुंबई पुलिस ने मनविंदर को गिरफ्तार किया। आजम खान को झटका। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाली बेटे की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की तलाश में मऊ गाजीपुर लखनऊ और दिल्ली में यूपी पुलिस के छापेमारी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले मामले में बीएमसी को नोटिस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब तलब किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीसीआई जांच के खिलाफ व्हाट्सएप फेसबुक की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।
मेरठ के S2S मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करने पर लोगों ने आपत्ति जताई। मॉल में नमाज पढ़ने पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की, वीडियो की जांच के बाद पुलिस करेगी कार्रवाई। बजरंग दल के लोगों ने मॉल के अंदर जाकर किया हनुमान चालीसा का पाठ, पुलिस ने दो को हिरासत में लिया। बिहार के वैशाली में बैल लेकर घूम रहे 6 मुस्लिम युवकों को बजरंग दल ने पकड़कर पीटा, साधु के वेश में भीख मांग रहे थे। पुलिस ने सत्यापन के बाद मुस्लिम युवकों को छोड़ा, अभी तक किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं। मुंगेर में साधु के भेष में भीख मांग रहे 3 मुस्लिम युवकों को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। पकड़े गए मुस्लिम युवकों पर रेकी करने का शक, पूछताछ करने के बाद पुलिस ने छोड़ा, यूपी के फैजाबाद के रहने वाले हैं तीनों। संभल में असामाजिक तत्वों ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश, कांवड़ियों के ऊपर थूकने और गंदा पानी डालने का आरोप है। छत से थूकने पर भड़के कांवड़ियों ने किया हंगामा, बीजेपी नेता और पुलिस अधिकारियों ने समझाकर कांवड़ियों को रवाना किया। सीतापुर में कांवड़ियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, जलाभिषेक के दौरान हुई थी धक्का मुक्की। बिजनौर केस के दोनों आरोपी भाइयों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कांवड़ यात्रियों के बीच माहौल खराब करने की साजिश थी, आदिल कमाल ने भगवा साफा बांधकर मजाक तोड़ी। यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, घटना के पीछे बड़ी साजिश की जांच जारी है। सहारनपुर में 5 साल पुरानी पोस्ट वायरल का मौका करके माहौल खराब करने की कोशिश, पुलिस ने 5 के खिलाफ FIR दर्ज की। मेरठ रेंज IG और DM ने कांवड़ियों को किया इनका स्वागत किया, आसमान से फूलों की बारिश की। यूपी के मुरादनगर में SDM सदर और ADM ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। शिवरात्रि पर सजे देश भर में शिवालय, सुबह से ही भगवान शंकर के भक्त कर रहे हैं जलाभिषेक, कांवड़ियों में जबरदस्त उत्साह। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक इंजीनियरिंग छात्र की मौत की मिस्ट्री बनी, छात्र का शव रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत ट्रेन से कटकर हुई, फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। परिवार को व्हाट्सएप के जरिए मिला था एक मैसेज, हत्या की बात लिखी गई थी। सिवनी मालवा में एहतियातन भारी पुलिस बल की तैनाती, पुलिस ने मामले की शुरू की जांच। बहराइच में माफिया देवेंद्र उर्फ गब्बर सिंह के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, होटल और मैरिज लॉन समेत 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। देवेंद्र सिंह पर दर्ज है गैंगस्टर समेत 56 केस, 1,00,000 का था इनाम घोषित, फिलहाल जेल में बंद है। लखीमपुर खीरी हिंसाकांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर आज लखनऊ हाईकोर्ट सुना सकता है अपना फैसला। नू के DSP सुरेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गुजरात के बोटाद में और अहमदाबाद में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की जान गई। दिल्ली में नई शराब नीति पर घमासान तेज, डिप्टी CM सिसोदिया की का इस्तीफा मांगा। रांची में कोर्ट फीस बढ़ाने पर प्रदर्शन, हजारों वकीलों ने किया काम का बहिष्कार। उत्तराखंड में SSC परीक्षा में धांधली पर CM धामी हुए सख्त, जांच में जुटी STF, 6 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर में स्कूल वैन और बाइक की टक्कर, बाइक सवार की मौत, 9 स्कूली बच्चे जख्मी हुए। दिल्ली के रेढ़ौला इलाके में एक खिलौना फैक्ट्री में आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के नोएडा में बेखौफ बदमाश, 10 से 12 बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर वहां काम करने वाले लड़के की पिटाई की। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में 12वीं की छात्रा का शव मिला, स्कूल में पुलिस की तैनाती की गई। छात्रा की मौत पर पुलिस ने कहा, CBCID ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बेगूसराय जेल में सही खाना नहीं देने पर बिहार जेल प्रमुख को NHRC का नोटिस, 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। हरियाणा के CM की बड़ी पहल, स्मार्ट पुलिसिंग के लिए स्मार्ट E-बीच की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड, पहाड़ दरकने से सिकंदराबाद रोड बंद हो गई है। भोपाल में बारिश की वजह से NH46 की सर्विस रोड की दीवार गिरी, सड़क पर आई दरार। जोधपुर में भारी बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात, सड़क पर पानी के तेज बहाव में बही कार, सड़कों पर जल भराव से यातायात प्रभावित। राजस्थान के टोंक में आफत की बारिश, सड़कें नाले में तब्दील हुई, पानी के तेज बहाव में बह गए कई बाइक। असम की राजधानी गुवाहाटी में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, लोगों की परेशानियां बढ़ी। यूपी में बिजली गिरने से जान गंवाने वालों के परिवार वालों को मिलेगा मुआवजा, CM योगी ने 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। करगिल विजय दिवस के मौके पर आज देश वीर सपूतों को कर रहा है नमन, आज पूरे देश में गूंज रही है करगिल के विजय गाथा। विजय दिवस के मौके पर श्रीनगर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, एक रोड शो भी होगा। केरल की स्वास्थ्य मंत्री का बयान, मंकी पॉक्स से डरने की जरूरत नहीं, संक्रमित लोगों की हालत स्थिर। अब तेलंगाना में मिला मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध, इसी महीने कुवैत से लौटा था, आइसोलेट किया गया। मंकी पॉक्स को लेकर डॉक्टरों ने किया आगाज, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने, हाथ मिलाने से आसानी से फैलता है। देश में कोरोना के 16,866 नए केस मिले, 41 मरीजों की जान गई। ब्रिटेन के PM पद के दावेदार ऋषि सुनक ने चीन को दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा बताया, कहा चीन ने भारत अमेरिका को निशाना बनाया। बॉक्सर लवलीना ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया, कहा मेरे कोच को काफी देर बाद कॉमनवेल्थ टीम में शामिल किया गया। लवलीना के समर्थन में आई प्रियंका गांधी, कहा वो हमारे राष्ट्र की संपत्ति, उन्हें हर तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए। खेल मंत्रालय ने किया ट्वीट, भारतीय ओलंपिक संघ से लवलीना के कोच को मान्यता देने के लिए कहा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर टीम इंडिया का जबरदस्त सेलिब्रेशन, कैप्टन धवन के साथ खिलाड़ियों ने की जमकर मस्ती।
क्रिकेट के मैदान पर फिर से वापसी कर सकती हैं मिताली राज, महिला आईपीएल के पहले सीजन में खेलने के संकेत दिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।